जोड़ी सबको भाई, दुल्हा दुल्हन साथ में आए जोड़ी सबको भाई, शाम हसी है रात जमाए कृपया तालियां तो बजाए। तो देखिए प्रोसेस मिडिल ऑफ द गंगा आरती थीम होगा सर, ठीक है। तो अभी वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द गंगा आरती थीम और अब सब लोग तालियां बजाते रहेंगे जब तक जय माला कंप्लीट नहीं हो जाती। आई एम नॉट गोइंग टू लीव द स्टेज, आई एम जस्ट टेकिंग द साइड। एक बार तालियां बजाएंगे सभी एवरीबॉडी, लेट्स मेक सम नॉइज एवरीवन। थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करके रखेंगे स्टेज से बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज सम स्पेशल इफेक्ट्स आल्सो। ये रिंग सेरेमनी रिंग बनाएंगे और आप तालियां बजवाएंगे भाई, आप सिर्फ खड़े नहीं रहेंगे मूल दर्शन करके। एवरीवन एज लाइक एज आपने जय माला सेरेमनी के टाइम में बजवाई थी और शोर मचाया था, वो सारे परिवार वाले अब कहां गए भाई जो इतना शोर मचा रहे थे। हाँ मैं मान गई, चिल्ला सकते हैं। गाइस डीजे भी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, जयमाला भी हो चुकी है, अब वो खाना खाया जा खाना खिलाया जा रहा है। और ये दीदी आती हुई जिनका ठंड की वजह से हालत खराब है बहुत ज्यादा, और ये अब जाएंगी अंदर कमरे में क्योंकि अब इनको जाना है वापस द्वारा से मंडप पे, और ये अब मंडप पे जाएंगी क्योंकि अब होंगी शादी की रस्में और अब ये जा रही है कन्यादान के लिए। कन्यादान हम मुद्रा श्री मुकुट कुंडल तिलक चारे उतारे अंग विभूषण आजान मुसर चातुर संग्राम जित कर। और क्या ये तो सौ में भैया जो चीज वाली के गाइस तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या किया जा रहा है, मैं जो का करूँ जा रहा हूँ दान बह जाए। हाँ मतलब उसके पीछे भी बैठे झोले भैया बस।
तो भैया फिर लेने स्टार्ट हो गए। ये देखो बज गए सब छह। हाँ छह पंदा पड़ गई तो भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा कि मेरे बामान ना जाओ। उनको आधी नहीं है माँ शक्ति, अभी अपने पिता कुआरी हैं। उनका हमको भाई बच्चन मांगे जो हमारे पहले कहा गया है कि मद पर कम, सुनिएगा, मद पर कम पापम ला जाओ मैं होता सना, व्यापत में कन्या बामांगे तावत कन्या कुमार का। जो हमारे पिताजी ने आपको मद पर कम बताशा खिलाया गया जी, पहले शहर और गुड़ और दही मिला के खिलाया, उसको मधपर्क कहते हैं। आपने समझ मामला शॉर्ट में आएंगे बताते ही काम चलाएंगे। जो मधपर्क का भोजन कराया है उनके कराने से उनके संपूर्ण जन्मों के पाप नष्ट हो गए, एक जन्म के नहीं कई जन्म के पाप नष्ट हो गए। और ये जो धान बोया जाता है लाजा होम किया जाता है, तीन आहुतियाँ पितरों को दी जाती हैं पुरखों को। पुरखा मतलब तीन दफे ही बुलाए जाते हैं, इसीलिए साढ़े चार में तीन दफे नाम लिया जाता है। अभी नहीं, अभी तो और है।